फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कोको कोला का एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप अपने एरिया में कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी गर्मी का जो है सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन में जो है कोल्ड ड्रिंक का काफी ज्यादा डिमांड रहता है। तो ऐसे में अगर आप कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूटर लेके अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल यहां पे होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के समय में कोको कोला कंपनी को कौन नहीं जानता, आप किसी से भी पूछिए ठंडा मतलब लोग कोको कोला ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोको कोला कंपनी के जो है कौन कौन से प्रोडक्ट जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं कोका कोला का जो है यहां पे पहला कोक आता है, उसके बाद जो है यहां पे थम्सअप आता है, स्पंटा है, स्प्राइट है, लिमका है, उसके बाद किनले का यहाँ पे मिनरल वाटर भी आता है, इसके अलावा किनले का सोडा भी आता है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कोका कोला का माजा जो कि यहाँ पे स्लाइस को टक्कर देता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कोका कोला कंपनी का आता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है इसके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स आप इनके वेबसाइट पे भी जाकर जो है आप विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी कोका कोला का जो भी प्रोडक्ट आता है तो ये जो है आपको तीन कैटेगरी में आपको दिखेंगे। पहला जो है प्लास्टिक बोतल में, उसके बाद जो है आपका ग्लास का बोतल में, उसका जो है केन में। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर दिख रहा होगा ये आपका प्लास्टिक का बोतल में है, इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ये आपका ग्लास का बोतल में है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोका कोला और स्प्राइट फांटा जो है ये आपका केन फॉर्म में है। यहाँ पे ई नहीं होगा, सी ए एन सिर्फ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कोका कोला कंपनी का जो है कौन कौन से प्रोडक्ट का जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का भी आप लेके जो है आप इनका एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको मिनरल वाटर इंक्लूड नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इनका एजेंसी लेते हैं तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास में गोडाउन के लिए 1500 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट जो है एरिया होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने गोडाउन का एरिया का जो रेंज दिया है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इनका जो एजेंसी है वो किस लोकेशन पे ले रहे हैं, यानी कि आप रूरल एरिया में ले रहे हैं या आप जो है अर्बन एरिया में ले रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे गोडाउन का एरिया जो है ये आपका वेरी करने वाला है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये जो है आपका गोडाउन है जिसमें सारा जो है कोका कोला का जो है यहाँ पे पर माल रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपके पास में जो है इसी प्रकार से जो है गोडाउन का एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप जो है कोका कोला का सारे प्रोडक्ट जो है आप रख सकें। इसके अलावा जो है आपको ऑफिस के लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा जहाँ से आप जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आप डील कर सकेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको कमर्शियल व्हीकल जो है आपको यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। यानी कि फ्रेंड्स, आपके पास में जो भी यहाँ पे माल रहेगा कोका कोला का तो वो सारे को जो है आपको रिटेलर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे जो है आपको एक कमर्शियल व्हीकल आपको परचेस करना पड़ेगा, जैसे कि आप जो है इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको व्हीकल परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको मेन पावर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन पावर है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना मेन पावर में जो है ये आपका सारा जो ऑपरेशन है ये मैनेज हो जाता है। यहाँ पे जो है आप अगर देखें तो आपको अकाउंटेंट तो रखना पड़ेगा, मार्केटिंग मैनेजर रखना पड़ेगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा, हेल्पर रखना पड़ेगा, लोडर और अनलोडर जो है आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, सीसीटीवी कैमरा हुआ, इन्वर्टर हुआ, टेबल चेयर, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको अपने हिसाब से देखना है। तो फ्रेंड्स, यहां पे अब जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से यहां पे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इसका एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी का आपका पेपर लगता है, इसके बाद कंपनी पूछती है आपसे कि आपका कोई पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अगर आपका कोई पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको उसके रिगार्डिंग में जो है यहाँ पे कंपनी को पेपर आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होगा तो उसका लास्ट 6 मंथ का जो है यहाँ पे स्टेटमेंट भी जो है कंपनी आपसे मांगती है। तो यहाँ पे जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके और कंपनी के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है, और इस एग्रीमेंट के साइन होने से पहले जो है कंपनी आपसे जो है एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपसे लेती है। तो फ्रेंड्स, वो अमाउंट कितना लगता है वो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पोर्शन में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आपको कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको लेना है तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से लाइसेंस यहां पर आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला लाइसेंस है आपको सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस जो है आपको लेना पड़ता है, फसाई लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसको
जो है आपको गुमत सा लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ता है। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टेट में जो है इसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रेड लाइसेंस लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस चार लाइसेंस में जो है आप कोका कोला का आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप बहुत ही आसान तरीके से आप रन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेने के लिए जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट आपको देखा है इसमें मैंने यही कंसिडर किया है कि ऑफिस का एरिया और गोडाउन का एरिया जो है आपका खुद का है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट किया है। यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है जो भी मैंने आपको बताया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको आपके ऑफिस के लिए लगेगा, तो उसके लिए जो है मैंने 1,00,000 रुपये यहाँ पे कंसिडर किया है। इसके बाद जो है आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपको 5,00,000 रुपये का जो है आपको कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ता है। फ्रेंड्स ये जो 5,00,000 रुपये का जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये जो है आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और जो भी आप ये अमाउंट जमा करेंगे तो इसी के अगेंस्ट में जो है आपको कैरेट कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा जो बोतल वाला कोका कोला जो आता है वो एक कैरेट में होता है, तो वो कैरेट का जो है कंपनी यहाँ पे जो है आपसे डिपॉजिट लेती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो है आपको कमर्शियल व्हीकल जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 कमर्शियल व्हीकल का जो है यहाँ पे प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा है 10,00,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर एरिया जो है कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल जो है आपको परचेस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपको कंपनी से इनिशियल स्टॉक परचेस करना पड़ेगा। जो आपका इनिशियल स्टॉक है वो 12 से 15 लाख तक का जो है हो सकता है। उसके बाद जो है आपको वर्किंग कैपिटल जो है 5 से 10 लाख रुपये आपको रखना पड़ेगा ताकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है वो आपका सही तरीके से चल सके। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको अप्रोक्सीमेट जो है आपको 40,00,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है इसमें मैंने आपको गोडाउन का और ऑफिस का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोका कोला कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट आता है, चाहे थम्सअप हुआ, स्प्राइट हुआ, माजा हुआ, फैंटा हुआ, तो फ्रेंड्स ये सारे जो प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटर को कितने प्राइस में मिलता है और इसका क्या MRP होता है, तो ये जो है हम लोग पूरा यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे हम लोग जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो है मैंने प्रोडक्ट का नेम दिया है, उस पर नंबर ऑफ पीसेस पर बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में कितना पीसेस रहता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, उसके बाद यहाँ पे MRP पर बोतल, और उसके बाद प्रॉफिट पर पैक यानी कि पर बोतल जो है आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैंने दिखाया है कोका कोला थम्सअप फैंटा स्प्राइट का 2 लीटर का जो है मैंने बोतल का यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आप 2 लीटर का अगर आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ये सारी का परचेस करते हैं तो आपको 9 पीस आपका एक बॉक्स में आएगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 620 रुपये से लेके 630 रुपये जो है आपका पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज दिया है क्योंकि फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट किस एरिया में है और उस एरिया से आपका जो कोका कोला का वेयर हाउस है वो कितनी दूरी पे है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस रेंज जो है मैंने दिया है। तो यहाँ पे जो भी मैं प्राइस रेंज आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपके स्टेट के लिए यहाँ पे जो है 5 से 10 रुपये जो है वेरी कर सकता है, बाकी जो आपका प्राइस है ये आपका एवरेज रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को एक बोतल का जो प्राइस है वो 70 रुपये यहाँ पे लगता है, जिसका MRP 90 रुपये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटली जो है डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना कितना मार्जिन रख के जो है इसको जो है रिटेलर को सेल करता है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट पर पैक जो है 20 रुपये से 21 रुपये जो है यहाँ पे टोटल मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस है और MRP का जो प्राइस है उसका गैप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मत समझिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इस प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मत समझिएगा, ठीक है। ये जो है मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का और MRP प्राइस का गैप का जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के उसके बाद जो है वो रिटेलर को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करेगा कि वो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया या 5 रुपया वो मार्जिन रख के जो है वो रिटेलर को सप्लाई करता है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्प्राइट का 250 ml बोतल का जो है मैंने यहाँ पे जो है प्राइस दिखाया है। तो अगर आप स्प्राइट का 250 ml का बोतल अगर आप लेंगे तो एक बॉक्स में जो है आपका 28 पीस आता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है यहाँ पे 460 रुपये से लेके 470 रुपये यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को जो है पर बोतल का जो प्राइस है 16 रुपया 42 पैसा यहाँ पे पड़ता है, जिसका MRP 20 रुपीज़ रहता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट गैप देखें तो 3 रुपया 58 पैसा है। तो इसी प्रॉफिट में जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रखेगा और रिटेलर भी जो है अपना प्रॉफिट रखेगा, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि माजा का 1 लीटर का मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर आप माजा का 1 लीटर का बॉक्स खरीदते हैं तो उसके अंदर जो है 15 पीसेस आते हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 640 रुपये से लेके 650 रुपये यहाँ पे लगता है, यानी कि यहाँ पे जो पर बोतल का जो प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर का 43 रुपये यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो MRP है पर बोतल का वो 50 रुपया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट गैप है वो 7 रुपीज़ है। तो इसी में से डिस्ट्रीब्यूटर भी रखेगा और रिटेलर भी रखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप माजा टेट्रा पैक की बात करें, फ्रेंड्स आपने देखा होगा माजा का एक छोटा सा जो है 10 रुपये का पैक आता है, तो उसी को जो है माजा टेट्रा पैक बोलते हैं, जो 150 ml का रहता है। अगर आप माजा टेट्रा पैक का अगर एक बॉक्स परचेस करेंगे तो 40 पीस जो है उसमें रहता है, जिसका प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर का 315 रुपये से लेकर 325 रुपये यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का जो पर पैक का जो प्राइस है वो 8 रुपये लगता है, जिसका MRP 10 रुपये है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट गैप है वो 2 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा जो कोका कोला का जो 200 ml का जो बोतल आता है, तो उसका जो है अगर आप एक बॉक्स परचेस करेंगे यानी कि एक कैरेट परचेस करेंगे तो जिसके अंदर 24 पीस रहता है और जिसका प्राइस है 220 रुपये से लेके 230 रुपये यहाँ पे पड़ता है। तो पर बोतल जो है 9 रुपये 16 पैसे जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ता है, जिसका MRP 12 रुपये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट गैप है 2 रुपया 86 पैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट में मैंने आपको प्रॉफिट पर बोतल दिखाया है, ये आपका जो है टोटल प्रॉफिट है, यानी कि इसी प्रॉफिट में से जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट रखेगा और रिटेलर भी प्रॉफिट रखेगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो है परसेंटेज में कितना रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप डेली का 500 से लेके 600 बॉक्सेस अगर आप नहीं बेचेंगे, तब तक जो है आप इस डिस्ट्रीब्यूटर को सही तरीके से रन नहीं कर सकेंगे। तो आप कोशिश करें कि जब भी यहाँ पे कोका कोला का आप डिस्ट्रीब्यूटर ले, तो आपका जो पर डे का सेल है वो 500 से लेके 600 बॉक्सेस जो है होना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में जो है 500 से लेके 600 बॉक्सेस जो है सेल करना पर डे कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस सेल को जो है आप बहुत ही आसान तरीके से अचीव कर लेंगे, क्योंकि आज के समय में कोका कोला के जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं सभी का जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल एक प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 15% का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है, अगर आपका 60,000 का सेल है पर डे का, तो आपको 9,000 रुपये का यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो इसके हिसाब से आप मंथली भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका मंथली का यहाँ पे 18 लाख का अगर सेल है, तो आपका 2,70,000 रुपये यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,70,000 रुपये यहाँ पे आपका आ रहा है, तो इसमें से जो है आपको मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी यहां पे जो है आपका नेट प्रॉफिट यहां पे निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, मेनली जो है आपका जो भी कमर्शियल व्हीकल होगा उसका डीजल के लिए खर्चा आएगा, इसको जो भी आप मैन पावर रखेंगे उसको सैलरी देने में जो है आपको यहां पे एक एक्सपेंडिचर आता है। इसके अलावा जो है आप मिसलेनियस खर्च जो है यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिसलेनियस खर्च जो है आप अराउंड जो है 20,000 आप यहां पे कंसीडर कीजिए। तो यहां पे जो है मेनली इसी तीन जो है एक्सपेंडिचर को आपको कैलकुलेट करके जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट से जो है आपको माइनस करके जो है आपको अपना नेट प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप जो है सभी रिटेलर को जो है आप सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सभी रिटेलर का ये एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर, अगर हम लोग कोका कोला कंपनी का अगर ये सारे कोल्ड ड्रिंक सेल करेंगे, तो क्या हम लोग को फ्रिज फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सभी का डाउट जो है क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप रिटेलर हैं, तो यहाँ पे जो है आपको कोका कोला का जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं आपको सभी को लेना पड़ेगा। आपका 3 महीना तक कंपनी सेल देखती है कि आपका कैसा सेल है, इसके बाद जो है कंपनी जो है आपको फ्रिज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो भी आपको फ्रिज प्रोवाइड करेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, और उस फ्रिज के अगेंस्ट में जो है कंपनी आपसे कुछ डिपॉजिट लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेलर गेट फ्रिज फ्रॉम कंपनी साइड आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि कोका कोला कंपनी का जितना भी कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट आता है, तो अगर आप ये सारे को 3 महीने तक कंपनी का सेल करते हैं, तो कंपनी देखती है कि आपका सेल किस प्रकार से है, यानी कितना क्वांटिटी आप सेल करते हैं। अगर आप मंथली का 500 पेटी जो है आप सेल कर देते हैं, तो कंपनी जो है आपको बड़ा वाला फ्रिज देती है जो कि डबल डोर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका डबल डोर है। तो इस प्रकार से जो है कंपनी आपको फ्रिज देती है। और यहाँ पर जो भी आपको बिग फ्रिज कंपनी आपको दी गई, तो इसमें जो है 55,000 का जो है कंपनी आपसे जो है एक चेक लेती है। वो कंपनी चेक कभी लगाती नहीं है, जब कंपनी को आप ये फ्रिज वापस करेंगे तो वो चेक आपको कंपनी वापस कर देती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर आपका मंथली सेल अगर 300 पेटी है, तो इसके हिसाब से कंपनी आपको मीडियम फ्रिज देती है, जिसके लिए कंपनी 45,000 का जो है यहाँ पे जो है आपसे चेक लेती है। इसके बाद अगर आपको मंथली का सेल अगर 200 पेटी है, तो कंपनी यहाँ पे आपको स्मॉल फ्रिज देती है, जिसके लिए कंपनी आपसे 30,000 का चेक लेती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट फ्रिज के अगेंस्ट में क्यों ले रही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे केसेस में देखा गया कि बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं कि अगर उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो वो अपने जो है शॉप को किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो फ्रिज को भी सेल कर देते हैं। तो ये सारे केसेस को देखने के बाद जो है कंपनी यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जो है एक फिक्स कर दी कि अगर आपको बड़ा फ्रिज दिया जाएगा तो इतना सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, और छोटा फ्रिज दिया जाएगा तो इतना सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ पे कोका कोला कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो आपको जो है कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग सोर्स करना चाहिए, यानी कि कहाँ कहाँ से जो है आपको ऑर्डर लेके आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एरिया है, तो आपके उस एरिया का जितना भी लोकल रिटेलर होगा, पहले आपको उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए और
वहाँ पर ऑर्डर आपको लेना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि मेन पावर में आपको जो है एक मार्केटिंग का आपको बंदा रखना पड़ेगा, तो उसी मार्केटिंग के बंदे के थ्रू जो है आपको ये सारे काम कराने पड़ेंगे। इसके बाद जो है जितनी भी कैटरिंग इंडस्ट्री है आपको उससे टाइप करना चाहिए, बहुत सारे फंक्शन पार्टी होते हैं वहाँ पर जो है कोक का बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है। इसके बाद जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं ढाबा होते हैं तो आप वहाँ पर भी जो है टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे बार होते हैं, वाइन शॉप होते हैं, वहाँ पर भी जो है आप टारगेट करके जो है आप ऑर्डर यहाँ पर कोक का ले सकते हैं। इसके बाद जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं तो वहाँ पे भी जो है जाके आप ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे भी जो है बहुत सारे फंक्शन पार्टी इवेंट्स होते रहते हैं, तो आपको वहाँ से भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप बहुत सारे इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में भी जो है कैंटीन अवेलेबल रहते हैं, तो उस कैंटीन में जो है आपको ये सारे कोक का आपको ऑर्डर मिल जाता है। इसके बाद MNC कंपनी में जो भी सप्लायर होगा तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट करके जो है आप यहाँ पे कोक का ऑर्डर ले सकते हैं। आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, वहाँ पे जो है कैंटीन का फैसिलिटी रहता है, तो आप उस कैंटीन में जो है जाके आप ये सारे ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आप अपने डिस्ट्रिब्यूशन एरिया का जो भी रेलवे स्टेशन होगा आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल है कोल्ड ड्रिंक का, तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे जो है स्टॉल लगे रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारी दुकानें होती है, तो आप वहाँ से भी जो है कोका कोला का कोल्ड ड्रिंक का आप ऑर्डर बहुत सारे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारे इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो आपका बहुत सही तरीके से चलेगा, आपका सेल्स रेवेन्यू भी जो है आपका इंक्रीज होगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपका इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे कोका कोला कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में ओपन करना है तो आप कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है आप तीन तरीके से जो है यहाँ पे कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप इस ईमेल आईडी पे जो है आप अपना इंटरेस्ट सेंड कर सकते हैं कि आप जो है इस लोकेशन में आप कोका कोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके भी जो है आपका जो भी लोकेशन है आप उस लोकेशन का एरिया मैनेजर का आप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्म निकलेगा, तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट लास्ट नेम एड्रेस लोकेशन पिन कोड फ़ोन नंबर ईमेल आईडी, यहाँ पे सिलेक्शन टाइप है तो यहाँ पे क्वालिटी, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है, यानी कि आपको अपना जो है यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ पे टिक आउट करके इसमें भी टिक आउट कर देंगे और सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स जब यह फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं और कंपनी को लगेगा कि आपकी लोकेशन में कोका कोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तभी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 90% चांस है कि कंपनी की तरफ से आपको कॉल नहीं आएगा। क्यों कॉल नहीं आएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको कोका कोला का हर एक जगह पर जो है आपको कोल्ड ड्रिंक देखने को मिल जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स कोका कोला जो कंपनी है अपना प्रेजेंस जो है पूरा पैन इंडिया जो है बनाई हुई है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए आपको इंडिया के हर एक कोने में जो है आपको कोका कोला का आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेशन में कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फ्रेंड्स तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई करें, तभी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और आपको यहाँ पे मैसेज में सारा चीज़ लिखना है कि आपके एरिया से 50 किलोमीटर तक कोई भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि आप फिनेंशियली साउंड है, और इसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि आप अपने आप को एक योग्य पर्सन मानते हैं कि आप जो है कोका कोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ठीक है। ये सारे लिख के जो है आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। मैं बता दूँ कि अगर आपके लोकेशन में कोका कोला कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं होगा तब कंपनी आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करें, और वहाँ पे जो है आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको कोका कोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको अपने एरिया के लिए लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद।